भाजपा के द्वारा आज विधानसभा मार्च निकाला गया और इस दौरान माहौल काफी खराब गया। आपको बता दूं कि इस दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की गई, साथ ही वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए गए हैं। और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह के ऊपर लाठी चार्ज किए गए और इसी दौरान वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया था। और अब जाकर ये खबर सामने आ रही है कि उनकी मौत हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता में मायूसी सी आ गई है। साथ ही आपको बता दूं कि पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप के भी घायल होने की सूचना है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। इस प्रदर्शन में बहुत सारे लोगों के घायल होने की सूचना है। आपको दिखा रहे हैं एक और तस्वीर सांसद जनार्दन सिंह की। सांसद जनार्दन सिंह भी प्रदर्शन में शामिल थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। पुलिस द्वारा जिस तरह से उनके साथ किया जा रहा है, पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किए गए, लगातार उनके पार्टी द्वारा उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, बावजूद इसके उनके हाथों में चोटें भी आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। अब हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस पिटाई में कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। पिटाई से जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई। पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अधीक्षक IAS ठाकुर ने मौत की पुष्टि की है। मौत के बाद अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने CM नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। कल बीजेपी राजभवन मार्च करेगी। आपको बता दूं कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। जब वे नहीं माने तो पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर मिर्ची स्प्रे से हमला किया गया। पुलिस ने महाराजगंज सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को भी लाठी से पीटा और धक्का दिया, इसमें वह घायल हो गए। उनके सिर और चेहरे पर चोटें आई। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल IGIMC के प्राइवेट वार्ड 1 में एडमिट हैं। उनका CT स्कैन हुआ है, ब्रेन नॉर्मल है। सांसद को Y+ सुरक्षा मिली हुई है। पिटाई के समय उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। प्रदर्शन में शामिल भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। आपको बता दूं कि विधानसभा संयोजक डॉक्टर संजय मिश्रा को कुर्ता फाड़ कर पीटा गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। PMCH में 20 से अधिक घायल नेता और कार्यकर्ता भर्ती हैं। पुलिस ने सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया, सभी को बस भर कर ले गई, बाद में छोड़ भी दिया गया। पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने बताया कि जहानाबाद की महामंत्री विजय कुमार सिंह को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। उनको नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, सिर में गंभीर चोटें थी। उन्हें वहां से गंभीर हालत में PMCH ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सुशील मोदी ने कहा कि हमारी महिला कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। इधर इस मामले पर पटना के SSP राजीव मिश्रा ने कहा कि छज्जू बाग में विजय कुमार सिंह बेहोश मिले थे, उनके शरीर पर भारी चोट के निशान नहीं है, मौत की पुष्टि अभी नहीं की जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे IVTV। नमस्कार, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।